बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है और बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है उनके बारे में। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों के लिए एकांतवास पे चले गए हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी बात क्या है। दरअसल क्या है कि जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो एक किताब लिखना चाहते हैं और वो किताब वो फ्री में देने वाले हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो किताब फ्री में दी जाएगी, कॉलेज, स्कूल्स, बहुत जगहों पे बांटी जाएगी, जिससे कि लोगों को हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, उसके बारे में ज्ञान हो। और क्या कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का, थोड़ा डिटेल में देखिए। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि एक द केरला फाइल मूवी आई थी, उसमें भी ये पूछा गया था कि सनातन धर्म है क्या। ठीक है, तो इसका जवाब देने का समय आ गया है, ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। आप लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत देखा होगा और बहुत कंट्रोवर्सी में देखा होगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपने कंट्रोवर्सी की वजह से ही धीरेन्द्र शास्त्री को जाना है। दो ही मुख्य कारण हो सकते हैं, या तो कंट्रोवर्सी की वजह से जाने, या फिर उनके जो चमत्कार करते हैं उनकी वजह से आप जानते होंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी है ही है, लेकिन फिर भी नाम देने का प्रयास कर रहे हैं और इसके रास्ते में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह खुद ही घोषणा की थी कि वो 5 दिन के एकांतवास में जाएंगे और वो एक किताब लिखेंगे, जिससे कि धर्म के बारे में बेसिक नॉलेज सबको हो जाए। बाकी वो किताब में देखते हैं क्या होता है। 5 दिन के लिए गए हैं एकांतवास में। जुड़े रहिए हमारे साथ अंकित न्यूज के साथ।